नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू अर्थ का हॉबी में। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, स्पेशली सम्प सिस्टम के बारे में। एंड मैं आपको बताऊंगा कि एक मॉड्यूलर, एक जो शीशा वन पीस का जो शीशे वाला एक्वेरियम होता है, जैसे मेरे पास ये 6 फिट का एक्वेरियम है, तो मॉड्यूलर आपका अगर शीशे वाला एक्वेरियम है उसमें सम्प कैसे यूज करें। ना ही आपको कोई होल करना है, ना ही आपको कोई ओवरफ्लो बॉक्स इंस्टॉल करना है, और ना ही आपको कुछ अलग टेक्निक करने की ज़रूरत है। पर एक नॉर्मल पाइप से आप इनपुट लेंगे और कूलर के पंप से आपको आउटपुट देना है। एंड आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका ऐसा नहीं है कि एक्वेरियम का पानी पूरा खाली हो जाए और वहाँ पर कोई रोकने का ऑप्शन ना हो, या फिर कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि पानी आना बंद हो जाए, कूलर की मोटर अपने आप चलती रहे। तो इन सब बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगा उससे आप बिना किसी परेशानी के, बिना कोई नया होल किए हुए एक्वेरियम में, बिना किसी ओवरबॉक्स इंस्टॉलेशन के आप एक्वेरियम में सम्प यूज कर पाएंगे। मैं सम्प को नियर अबाउट 5-6 महीने से यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने वीडियो बनाई है जो प्रॉपर मैंने उसका सारा रिव्यू कर लिया। अभी हम आपको बताने जाएंगे इसमें कि अगर हमने सम सिस्टम एक पाइप की हेल्प से इनपुट लिया है तो उसमें आपको आउटपुट दो तरीके से ले सकते हो। एक तो आप पानी की ऊपरी सरफेस से यहाँ से आउटपुट ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा टॉप फिल्टर यूज करता था। इससे पहले जो इनपुट लिया जाता था वो नीचे से लिया जाता था, मतलब इस साइड से, मतलब बॉटम साइड से इनपुट का ऑप्शन होता था जो कि ऊपर टॉप फिल्टर में जाके और वहां से फिल्टर होके नीचे गिरता था। लेकिन सम को मोस्टली लोग क्या करते हैं, टॉप से इनपुट लेते हैं और टॉप एक कॉर्नर के टॉप से लेते हैं, दूसरे कॉर्नर के टॉप पे वो पानी गिरता है साफ होकर, लेकिन उतना अच्छा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। हमें अगर बॉटम से लेते हैं इनपुट और टॉप पे लाके गिराते हैं फिल्टर्ड वाटर, तो फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होगा। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए मैंने जो पाइप इसमें इंस्टॉल किया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो साइड में पाइप है इनपुट पाइप है, लेकिन इसमें जो इनपुट है वो नीचे से ले रहा है, नीचे से इनपुट ले रहा है और यहाँ से पानी जाके इस सम्प में आ रहा है और सम्प से पानी वापस इसमें आ रहा है। अभी मैं आपको सम्प दिखाऊंगा। अभी इस पाइप को मैंने कैसे लगाया है मैं आपको पहले बता दूँ। इस पाइप में मैंने इनपुट नीचे से लिया है, नीचे मैंने एक पाइप, मैं आपको क्लोज लुक दिखा देता हूँ। देखिए इस पाइप को मैंने नीचे से इनपुट लिया है और इस पाइप को मैंने नीचे एक जाली फिट कर दी जिससे कि कभी कोई फिश वगैरह या कुछ और बड़ी चीज में फंस ना जाए। इसमें ये यहाँ से इनपुट ले रहा है और उसके ऊपर ये बॉक्स के लिए माफी चाहूंगा, इसमें एक छोटा सा फ्राई है जिसको मैं पाल रहा हूँ इसमें। अच्छा, यहाँ टॉप पे आके मैंने क्या करा है, इसमें आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ना कुछ होल्स किए हैं। ये होल्स पानी की लगभग जो ऊपर की सरफेस है उसे 1 इंच की गहराई पे है। तो इन होल्स का जो फायदा है वो ये है कि कभी भी अगर आपका कूलर का मोटर जो कि पानी इसमें फिल्टर्ड वाला वापस फेंक रहा है, अगर वो काम करना बंद कर दो, तो जैसे ही पानी, ये जो वाटर है जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस सरफेस से, जैसे ही इन होल्स के आसपास आएगा तो इन होल से एयर आना शुरू हो जाएगी और एयर आते ही जो इनपुट यहाँ पे आ रहा है वो इनपुट बंद हो जाएगा। तो ये है सम्प। इसमें पहला चैम्बर है जिससे पानी यहाँ से इनपुट हो रहा है, पानी इसमें गिरता है। आप देख समझ सकते हो ये अराउंड 8 दिन पुराना है, इसको मुझे सैटरडे क्लीन करना है, 2 दिन बचे हुए हैं। तो ये काफी गंदा वाला चैम्बर दिख रहा होगा आपको। इसके आगे मैंने कुछ बाय वॉल्स यूज किए हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी मीडिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इसमें मैंने कुछ कैल्शियम सोर्स के जो ऑप्शन है वो यूज किए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ जियोलाइट वगैरह भी डाली है कि आपको इसमें अगर दिख रहा हो तो इसमें सिरेमिक रिंग्स हैं, इसमें बायोबॉल्स हैं, मीडिया बॉल्स भी हैं। इसमें देखता हूँ और क्या 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 है, इसमें मुझे याद भी नहीं किस चैम्बर में क्या है। इसमें ये एक्टिव कार्बन है, तो इसमें बहुत सारी मिनरल्स हैं। तो इसमें देखिए K5, K7,
मीडिया भी है, इसमें मैंने जियो लाइट भी डाला है। तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि सैम्प में मीडिया का बहुत सारा स्टोरेज ऑप्शन होता है, बहुत सारी मीडिया यूज कर सकते हो। अभी मैं बैक टू टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ से पानी इनपुट इस पाइप से आ रहा है, बट इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा है कि वहाँ पे जो होल्स मैंने करे हैं उन होल्स का फायदा ये है कि कभी भी कूलर की मोटर जो यहाँ से पानी खींच रही है, डबल मैंने मोटर लगाई है क्योंकि अराउंड 500 लीटर का मेरा एक्वेरियम है, तो यहाँ से जो भी पानी फेंक रहा है कूलर का मोटर, अगर वो बंद हो जाए तो ऐसा ना हो कि एक्वेरियम का पानी तो नीचे से आ रहा है यहाँ से, तो पूरा पानी खाली रुके यहाँ से ओवरफ्लो होता रहे और फिशेस मर जाए। तो यहाँ पे होल करने का फायदा होपफुली आपके समझ में आ गया होगा कि पानी से 1 इंच की दूरी पे नीचे आप अगर होल करेंगे तो पानी जैसे ही सरफेस पे आएगा वहां से एयर आना शुरू हो जाएगी और यहाँ से पानी आना बंद हो जाएगा। अब इसमें पानी आ रहा होगा तो एक तो ये बेनिफिट हो गया इसका। दूसरा मैंने इसमें ये कि रोटरी लगा रखी है। तो रोटरी लगाने का फायदा ये है कि आप पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। जब साफ करना है तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए यहाँ से, तो पानी का फ्लो बंद हो जाएगा और एक्वेरियम आप साफ करके सब साफ करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा फायदा ये है कि अगर मुझे 1x1 कूलर की मोटर चलानी है, मतलब बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, तो एक ही कूलर की मोटर सफिशियंट है इसको साफ करने के लिए। तो मैंने इसको यहाँ पे एक रेड मार्क लगा दिया है, परमानेंट रिमूवर से, नेल पॉलिश से, किसी से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया है, हाफ खुला हुआ है, तो हाफ खुलने पे एक मोटर सफिशियंट इसमें काम करता है। जब मैं इसको पूरा खोलूंगा तो इसमें दोनों मोटर ओवरफ्लो सिस्टम पे काम करती है। चलिए ये तो हो गया आपका पानी का फ्लो कंट्रोल कैसे करते हैं उसके बारे में, ये मीडिया के बारे में भी हो गया। इसमें मीडिया कौन कौन से आप यूज कर सकते हो, कूलर की मोटर अगर आपका छोटा एक्वेरियम है तो आप ये एक लगा सकते हो, अगर बड़ा एक्वेरियम है तो आपको एक से ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि मेरे एक्वेरियम की लेंथ 6 फिट है, यहाँ से लेके और लास्ट वहां तक ये 6 फिट है, तो इसमें क्या मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैंने इनपुट लिया इसका पाइप का और कूलर की मोटर जब इसको पानी को फेंक रही थी तो यहाँ पे पानी गिरता है इसका, लेकिन इसमें ना ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी क्योंकि यहाँ से पानी गिरता है तो पूरे यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन जनरेट करने का कुछ भी नहीं था। मैंने इसमें एयर बबल्स वाला भी सिस्टम नहीं लगा रखा है, तो मैंने क्या करा, जो पाइप मैंने ऊपर से डाला है इसमें दूसरे एंड पे सही जहाँ पे क्लीन वाटर आता है वहां पर डालने के लिए, तो मैंने उसको बीच में होल कर दिए। अब यहाँ से तो देख पा रहे होंगे फिशेस को फीड करने का टाइम है, शायद इस वजह से ज्यादा परेशान हो रही है। तो यहाँ पे मैंने बीच में कई जगह होल कर दिए तो पानी यहाँ से गिर रहा है तो ऑक्सीजन जनरेट यहाँ से हो रही है, तो इनको अलग से कोई ऑक्सीजन पंप लगाने की जरूरत नहीं है। और बाकी बचा हुआ पानी यहाँ पे मैंने लाके छोड़ दिया है तो यहाँ पे ये गिर रहा है साइड में। तो इनपुट मैंने यहाँ से लिया है जैसे आप देख पा रहे हैं बॉटम से, और आउटपुट ये कुछ ऊपर गिर रहा है और बचा हुआ पानी यहाँ पे गिर रहा है, बाकी मैंने आपको सम्प दिखा दिया। अब इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स में यही है कि आप बॉटम से पानी लेंगे और यहाँ पे होल करेंगे, यहाँ पे एक रोटरी लगाएंगे, एक से ज्यादा कूलर की मोटर लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम मैंने लगा रखा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक फैन आपको दिख रहा होगा, ये है वेब मेकर। वेब मेकर का फायदा ये है कि मॉर्निंग में मैं आधा घंटा चला देता हूँ, शाम को आधा घंटा चला देता हूँ, तो यहाँ पे पूरे में जो भी मछलियों का वेस्ट होता है पूरे एक्वेरियम में कहीं पे भी, वो इस हिसाब से मैंने सेट कर रखा है इसका ही कि वो सारा यहाँ पे लाके इस पोर्शन में लाके वो इकट्ठा कर देता है। आपको चला के दिखा देता हूँ, अभी मैंने चला दिया है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ मोमेंट देख पा रहे होंगे, लेट मी फोकस, तो आप अगर ये जो भी इनके वेस्टेज का मूवमेंट का फोकस देख पा रहे हैं तो सारा यहाँ पे खिसके इधर जाने लगा हुआ, देखिए आ रहा है सारा, तो ये सारा जो है यहाँ से, क्योंकि पंखे का मैंने इस तरीके का सेटअप कर रखा है इस वेब मेकर को कि यहाँ से सारा सेटअप होके यहाँ पे आगे इकट्ठा होने लगेगा, और इसकी क्लोज में वो है तो ये धीरे धीरे करके 10-5 मिनट में 20 मिनट में सारा यहाँ से इनपुट ले लेता है और इस चैम्बर में आके वो रुक जाता है, यहाँ से फिल्टर्ड क्लीन वाटर यहाँ तक पहुँच जाता है। बाकी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास एक्वेरियम बड़ा है तो कम से कम आप 2 फिट का सम्प बनाओ, जैसे मेरा ये अराउंड 2 फिट का ही है और हाइट में ये होगा अराउंड 15 इंच, चौड़ाई इसकी 1 इंच होगी। इसमें मैंने 4 पार्टीशन किए हुए हैं, पार्टीशन अपने हिसाब से कर सकते हो,
बट इतना ध्यान रखना है पहले पार्टीशन अगर आप सब खुद बना रहे हैं उस केस में बना बना ले रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो शॉप कीपर खुद बना के देंगे। अगर आप अपने आप बना रहे हो तो उसके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी। आपने एक नॉर्मल एक्वेरियम बनाना है जो भी साइज का आपको सब लेना है। पहले वाले में क्या करना है आपको हाइट जो है वो ऊपर वाले सरफेस से कम रखनी है अराउंड 1-1.5 इंच। तो यहाँ से पानी जो है कभी अगर नीचे से ब्लॉक हो गया तो ओवरफ्लो होकर इसमें जाएगा चैम्बर में ना कि बाहर गिरेगा। दूसरा वाला और डाउन रखना है अराउंड 2 इंच, तो ये हो जाएगा अराउंड 3 से 4 इंच डाउन रखना है ऊपर से। तो यहाँ से नीचे से पानी और इसमें फ्लो नीचे से हो रहा है, नीचे से फ्लो होके इसमें आएगा, यहाँ से आके इसमें आ रहा है, इसमें जो भी मीडिया वो यहाँ पे यूज कर सकते हो, और इससे बॉटम से जाके इस वाले चैम्बर में आ रहा है पानी लास्ट वाले में। तो पानी का फ्लो जो हो रहा है वो इस हिसाब से हो रहा है, इसमें इस वाले चैम्बर से नीचे जा रहा है, नीचे जाके इससे ऊपर से जा रहा है, फिर एक नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से आके इसमें स्टोर हो रहा है, यहाँ से क्लीन वाटर जो है वो दोबारा इसमें जा रहा है। तो ये हो गया पंप का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। एंड मीडिया अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। बाकी मैं मीडिया का एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि जो सिरेमिक बॉल्स होती है, सिरेमिक रिंग होती है मीडिया स्टोरेज के लिए, और मीडिया की कॉलोनी बनाने के लिए, मीडिया का घर आप समझ सकते हो वो बहुत अच्छा इनमें बनता है। K5 K7 मीडिया होती है, इनमें भी इनकी डिजाइन इस हिसाब से बनाई गई कि इनमें भी जो बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन होता है बहुत सही होता है, और बायोबॉल्स में भी सेम वही काम होता है। इसके अलावा मैंने क्योंकि मैंने सिकलेट रखी हुई है तो सिकलेट के लिए कैल्शियम लगता है, तो कैल्शियम के सोर्स के लिए मैंने इसमें कुछ कैल्शियम के जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, अभी कोरल्स वगैरह तो नहीं मिल सकते, कोरल्स तो बैन है, बट कोरल्स की जगह पे कुछ और भी ऑप्शन हैं जो मिल सकते हैं। लाइक आप इसमें देख सकते हैं ये कुछ कैल्शियम मेड जो क्रिएचर्स होते हैं उनके एकल हैं, उनके आप मान सकते हो कैल्शियम के बने हुए उनके कवच हैं, तो यहाँ से भी कैल्शियम की पूर्ति होती रहती है थोड़ी बहुत। इसके अलावा इसमें जियोलाइट है, एक्टिव कार्बन है, ये सारी मीडिया है जो पानी को साफ करने के काम आती है। एंड सेटअप मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ सेटअप, हालांकि ये कल मैं उसको वाटर चेंज करके दोबारा साफ करने वाला हूँ तो बहुत क्लीन तो नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ इतना जरूर कहूंगा कि सम्प की जो परफॉर्मेंस होती है वो टॉप फिल्टर ले लो आप, चाहे आप हैंगऑन फिल्टर ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे अच्छा वर्क करता है सम्प। इजी मेंटेनेंस है, क्लीनिंग इजी है, इसके अलावा बहुत कम कॉस्ट में बन जाता है। इस एक्वेरियम में मुझे 2 कैनिस्टर फिल्टर लगाने पड़े थे ऐसा आउटपुट लेने में, प्लस मैं टॉप फिल्टर भी यूज करता था तब जाके मुझे ऐसा आउटपुट मिलता था, पानी तब क्लीन होता था, और सम्प एक ही लगाने से काम चल गया। अगर मैं दोनों मोटर चलाना चाहूँ तो पानी और साफ हो जाएगा, फिलहाल तो मैंने सिर्फ एक ऑन कर रखा, एक ऑन नहीं है। तो ये था ऑल अबाउट सम्प सेटअप। इसमें आपने देखा कहीं भी कोई होल नहीं किया गया है, सीधे एक पाइप यहाँ से गया है, और पीछे पाइप जो यहाँ पे नॉर्मल होल होते हैं जिससे वायर वगैरह निकालते हैं, यहाँ पे ऐसे होल बने होते हैं गोल गोल पीछे साइड दो, तो उस होल से मैंने पाइप को पास कर लिया है, पास करते हुए यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी के दबाव के कारण ये काफी दब रहा था, तो मैंने एक इसको हल्का सा सपोर्ट वायर से बांध दिया यहाँ पे, जिससे कि ये नीचे नहीं डाउन हो रहा। और यहाँ पे मैंने 2 एक चिपकाने वाली क्लिप यूज कर ली है जो नॉर्मल होती है, इसमें आपको मिल जाती है एक्वेरियम शॉप से, तो इससे फायदा ये हो गया कि ये किसी सरफेस पे चिपका रहता है और पानी इसमें फ्लो होता रहता है। ये यहाँ पे मैंने एक कनेक्टर जो पाइप आता है ना, ये 1 इंच का कनेक्टर पाइप वो मैंने यूज किया है। इसका फायदा ये है कि इसके ऊपर जब मैं कोई कवर रखता हूँ, चाहे शीशे का हो लकड़ी का हो, तो वो कवर जो है वो इसके ऊपर रुक जाता है, पाइप को नहीं दबाता। अगर नॉर्मल आप ये यूज नहीं करेंगे तो ये पाइप को दबा देगा, और पाइप को दबाते ही फ्लो कम हो जाएगा और ये अपने आप में सारा डिसबैलेंस हो जाएगा सिस्टम। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, जब आप उसको ना नेल पॉलिश से या फिर परमानेंट रिमूवर से, सॉरी मार्कर से यहाँ पे निशान जरूर बनाएगा, जैसे मैंने बना रखा है रेड वाला ही देख पा रहे हो, तो इसका फायदा ये होगा कि कभी मैं आप इसे क्लीन करोगे तो आपको 2 मार्क लगाने होंगे अगर आप 2 मोटर यूज कर रहे हैं, अगर एक यूज कर रहे हैं तो एक ही मार्क लगाना है। तो इसमें क्या है कि जब भी आप क्लीन करोगे इसे बंद करोगे फ्लो को, बंद करने के बाद में दोबारा जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको केवल उस मार्क पे ओपन करना है, उस मार्क पे लाके ओपन करना है, कूलर की मोटर डालनी छोड़ देना, कोई दोबारा सेट नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको फ्लो कम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पानी जितना आ रहा है उतना ही जाना चाहिए।
तभी सिस्टम वर्क करेगा। अगर पानी ज्यादा आ रहा है, कम जा रहा है, तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और ज्यादा जा रहा है, आ कम रहा है, तो उस चैम्बर में पानी कम हो जाएगा, और कम होते ही यहाँ से कूलर की मोटर आवाज करने लगेगी, खराब भी हो जाएगी। अच्छा, अब अगर सपोज हमारा ये पाइप किसी भी कारण से पानी लाना बंद कर दे, उस केस में क्या है कि कूलर की मोटर बिना पानी के चलेगी और गर्म होकर खराब भी हो सकती है। तो आजकल कुछ ऐसी मोटर्स भी आती हैं जो सेंसर वाली होती हैं, जो पानी ना होने पर बंद भी हो जाती हैं, आप वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज वो आवाज इतनी तेज होगी कि आप घर में कहीं पे भी हो तो आप वो सुनाई देगी कि हाँ पानी नहीं आ रहा, तो आके आप चेक कर सकते हो। बट मोटर की कॉस्ट 200 रुपये है, उसको कंसर्न में ना लाते हुए मैंने इस हिसाब से ट्रिक्स यूज की हैं कि फिशेस को कोई हार्म ना हो, फिशेस के लिए, एंड जो पानी इनपुट हो वो बॉटम से हो, मोस्टली सम्प में ऊपर से होता है, इसमें मैंने बॉटम से लिया है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा मुझे ये मिला है कि मुझे बहुत ज्यादा वेस्टेज यहाँ पे नहीं दिखती है। अगर मैं ये यहाँ वेब मेकर चला देता हूँ, तो वेब मेकर चलाते ही 15 से 20 मिनट में सारा क्लीन हो जाता है नीचे का ही। एंड दूसरा फायदा ये मिलता है मुझे कि अगर किसी भी कारण से मैं घर से बाहर गया हूँ, कूलर की मोटर काम करना बंद कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, तो पानी इसमें सिर्फ 1-1.5 इंच ही नीचे आएगा, जितना मैंने यहाँ पे होल के लिए हाइट दे रखी है। इसके बाद एयर बबल आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे पानी अपने आप बंद हो जाएगा। तो या तो इस हिसाब से पानी इसमें फिल कीजिएगा कि जितना पानी इसमें है, सपोज मैंने यहाँ से कूलर की मोटर बंद कर दी, कूलर की मोटर बंद करने के बाद में इसमें पानी उतना सम इस वाले में इतना खाली रखना है कि जो 1 इंच का पानी इसमें आ जाए, ओवरफ्लो ना हो और पानी आना बंद हो जाए। तो मैंने उसी हिसाब से कर रखा है, इसमें इतनी गुंजाइश है भी पानी की कि इतना पानी आएगा जितना इसमें 1 इंच डाउन जाने के बाद में रुक जाएगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को अगर आप ये ऐसा सम सिस्टम यूज करेंगे कि जब कभी क्लीन करेंगे तो यहाँ से जो पानी का इनपुट है ये फ्लो तो बंद हो जाएगा, दोबारा इसमें पानी कैसे आएगा? उसके लिए आप सिंपल इस पाइप में आपका जो सम्प वाला पाइप होता है, उस वाले पाइप से इसमें पानी भर सकते हो। उसे उठा के एक्वेरियम के हेड तक ले आओ यहाँ तक, और उसमें पानी भर दो। पानी भरते ही जैसे आप डाउन करोगे तो वो जो पानी भरा वो निकलेगा, साथ ही साथ अंदर से आना अपने आप शुरू हो जाएगा। एक तो वो ऑप्शन है, दूसरा कूलर की मोटर इसमें लगी हुई है, कूलर की मोटर का पाइप इसमें लगा दीजिए, इसमें पानी भर जाएगा और पानी जैसे ही आप इसको डाउन करोगे वो अंदर से भी खींचना शुरू कर देगा। तो दोनों कंडीशंस में आपको करना बस यही है कि जब इस पाइप में पानी आना बंद हो जाए, इसको आपको पानी से फिल करना है, चाहे आप किसी भी बर्तन से भर सकते हो, मग्गे वगैरह से पानी भर लो, बट कोशिश ये करनी है कि एक्वेरियम की हाइट से ऊपर ले जाना है, इस पाइप को उठा के एक्वेरियम की हाइट के ऊपर यहाँ तक लाना है और यहाँ से उसको फिल करना है। जब तक फिल करना है कि ऊपर तक फिल ना हो जाए, जैसे वो फिल हो जाएगा उसको आपको डाउन कर देना है, डाउन करते ही इसमें पानी अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सम सिस्टम है इसमें मेंटेनेंस तो बहुत कम हो ही जाती है क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन है। जैसे मान लिया फर्स्ट चैम्बर में आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट चैम्बर में मैंने लगभग ये कितने इंच होगा, अराउंड 5 इंच के आसपास की लेयर मैंने लगा रखी है। उसके नीचे मैंने एक बास्केट रख दी है जिससे कि पानी नीचे पर्याप्त भरा रहे, एनफ भरा रहे, और वो नीचे वाले चैम्बर में जाता रहे। अगर मैं बॉटम इसको डाल देता तो पानी इस चैम्बर में इतना नहीं आता और आगे जाके पानी कम फ्लो होता है, यहाँ आता ज्यादा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाता, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता। एक तो ये मैंने ट्रिक यूज की है, दूसरी मैंने इस वाले चैम्बर में जो मेरे पास पुरानी कॉटन्स बची हुई थी, तो उन सारी कॉटन्स को मैंने क्या किया, एक नेट बैग में भर दिया और भर के इस वाले चैम्बर में उनको डाल देता हूँ। तो इस वाले चैम्बर में डालने का फायदा ये है कि यहाँ से पानी ऑलरेडी फिल्टर्ड आता है फर्स्ट वाले चैम्बर से, बट इवन अगर कुछ उसमें गंदगी रह जाती है तो वो वेस्टेज यहाँ पे रुक जाती है। तो वो सारी जो कॉटन हमारी यूजलेस हो जाती है काफी टाइम के बाद, उनको आप भी ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो जैसे मैंने की है। एंड इसके आगे जितने भी पार्टीशन है जहां से पानी नीचे से फिल हो रहा है, वहां पे भी मैंने एक स्पंज लेयर लगा रखी है जिससे कि पानी हर सेक्शन में जो है थोड़ा सा फिल्टर होते जाए। उसका फायदा ये होगा कि लास्ट वाले चैम्बर में पानी बिल्कुल साफ मिलेगा आपको, देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ पानी मिलेगा, चाहे आप 15 दिन में साफ करो, चाहे 1 महीने में साफ करो, क्योंकि इतना सारा फिल्ट्रेशन इसमें लगा दिया। इसमें 5 इंच का लगा हुआ है, इसमें इतना बड़ा एक मैंने अभी आपको दिखाया है नेट बैग में सिला हुआ,
वो भी अराउंड 4 इंच थिकनेस का होगा, 4 से 5 इंच का, वो भी उससे होके आ रहा है। प्लस जितने भी पाइप जैसे यहाँ से नीचे जा रहा है, तो यहाँ भी कॉटन की लेयर एक लगी होगी, शायद मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो बहुत नीचे लगी हुई है। एंड यहाँ भी एक जैसे नीचे पानी जा रहा, तो यहाँ भी एक मैंने कॉटन की लेयर लगा दी है। तो पानी अगर मैं काउंट करूँ, एक बार यहाँ फिल्टर हो रहा है, एक बार नीचे एक लेयर लगी वहाँ फिल्टर हो रहा है, एक बार यहाँ हो गया, 1 2 3 एंड लास्ट में जाके यहाँ पे 4, तो 4 टाइम्स वो कॉटन की लेयर से पार होके जा रहा है, जो कि कोई 5 इंच की, कोई 4 इंच की, कोई 6 इंच की। तो वो 5 बार या 4 बार फिल्टर होके जाएगा, तो 100% बिल्कुल क्लीन वाटर होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से अपने एक्वेरियम को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप टॉप फिल्टर यूज करते हैं उसमें भी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आएगी, अगर आप हैंग ऑन फिल्टर यूज करते हैं उसमें तो बहुत ही ज्यादा आएगी, क्योंकि वो कभी इतना क्लीन करता नहीं है। इसके अलावा अगर आप इनबिल्ट आप कोई और भी फिल्ट्रेशन यूज करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो सम्प होता है, एक तो उसमें मीडिया बहुत सारी यूज कर सकते हो, इतनी मीडिया यूज करने का ऑप्शन आपको किसी भी फिल्ट्रेशन में नहीं मिलेगा। दूसरा, इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा बड़ा छोटा जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है इसका फिल्ट्रेशन आउटपुट, आई मीन जो रिजल्ट है बहुत अच्छा होता है, और आपको बार बार इसको क्लीन करने की जरूरत भी नहीं है। मैं जब इसमें टॉप फिल्टर यूज करता था, मैं वीक में 2 बार साफ करना पड़ता था, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया ये अराउंड 500 लीटर का है, तो 500 लीटर के होने के कारण इसको फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा चाहिए। ऊपर से सिकलेट फिशेज हैं, सिकलेट को हल्का सा पानी भी गंदा होगा, पीएच डाउन होगा, या आपका टीडीएस कम ज्यादा हो जाएगा, तो फिश मरना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से इनको बहुत साफ पानी की जरूरत पड़ती है। मैंने शायद पिछली वीडियोज में बताया है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अन्य फिशेस के लिए आपको जितना भी पानी है वो 1 घंटे में 5 बार फिल्टर होता है तो भी सफिशियंट है, पर सिकलेट्स के लिए कम से कम 10 बार वो फिल्टर होना चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ना कुछ जरूर नया बताया होगा, जिससे आप अपने एक्वेरियम में उसको अप्लाई करके आप सम्प यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी हो, शीशे का भी टैंक हो, तो भी आपको उसमें कोई होल करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली पाइप डालिए, जैसे मैंने आपको बताया है, टिप्स एंड ट्रिक्स सारी यूज कीजिए, 100% वर्क करेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अराउंड 4 से 5 महीने इसे यूज किया, इसके बाद ही वीडियो बनाई है, होपफुली आपके काम आएगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।